हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। तो आज हम लेके आए तुम्हारे इंडियन वर्कर्स सोनाडा 3D के ऊपर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, तुम्हारी इंडियन वर्कर्स सोनाडा 3D गेम प्ले के फार्मिंग मोड में फाइनली तुम्हारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर ऐड हो चुकी है, और उसी के साथ में FS22 का मोड भी इंस्टॉल कर लिया अपने इंडियन वर्कर्स सोनाडा 3D गेम प्ले में। आप सब भी कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब कि जो गन्ने वाली ट्रॉली होती है ना, वो भी अपने गेम प्ले में ले लिए, वो भी इंडियन वहीकल्स सोनाडा 3D गेम प्ले के फार्मिंग मोड में। आप सब कैसे इंस्टॉल कर पाओगे, एंड और एक चीज और, जो गन्ने काटने वाली मशीन होती है वो कैसे लेनी है, सीडिंग मशीन कैसे, मतलब जो बीज बोने वाली मशीन है उसको कैसे ले सकते हो। जैसे कि मैं अपने गेम प्ले में इसको ड्राइव कर पा रहा हूँ सीडिंग मशीन को, ऐसे ही आप सब भी ड्राइव कैसे कर सकते हो। एंड उसके अलावा तुम्हारी हार्वेस्टर से अपने, मतलब कि जो टंकी में गेहूं भर जाते हैं और जो ट्रोला में खिलाते हैं, वो वाला ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हो, तो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। तो चल गाइस, लेट्स गो। तो हाँ, तो गाइस मतलब कि तुम्हारी इंडियन वहीकल्स सोनाडा 3D गेम प्ले में फाइनली तुम्हारी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर भी ऐड कर दिए। और हाँ, एक चीज़ और नई चीज़, मतलब कि हम पिछले अपडेटों में क्या करते थे, जो फ्यूचर इन पास्ट अपडेट आए हैं उनमें क्या करते थे कि भाई जो अपडेट होता था ना, मतलब कि मान के चलो कोई व्हीकल हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद क्या करते थे कि उसी मैप में ऐड कर देते, जैसे न्यू ओल्ड मैप या सिटी मैप में ऐड कर देते, तो बस उसी में ऐड कर देते। बट अब हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जो न्यू व्हीकल ऐड कर रहे हैं ना, साथ ही साथ में तुम्हारे टोचन मोड में भी, फार्मिंग मोड में भी, न्यू मैप में भी और तुम्हारे ओल्ड मैप में भी, मतलब कि सभी मैप में अवेलेबल मिलेगा, वो भी साथ में अपडेट। जब तुम्हारा अपडेट आएगा ना, तो एक साथ में सभी चीज़ों का एक सा, मतलब कि चाहे तुम्हारा टोचन मोड हो, फार्मिंग मोड हो, ओल्ड मैप हो, न्यू मैप हो, सब में तुम्हारे ऑल व्हीकल देखने को मिलेंगे, साथ में सभी मॉडिफिकेशन भी अप्लाई देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा एक नई चीज़ और कि भाई तुम्हारी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया, पिछले वीडियो में अभी जो देखा तुमने वीडियो में, कि मतलब कि जो गन्ने वाली ट्रॉली थी वो कैसे ले सकते हो आप सभी, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना होगा। जैसे कि मान के चलो मैंने कोई ट्रॉली स्पेम की थी, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि मतलब गन्ने कैसे ला सकते हो और काट कैसे सकते हो और कैसे लोड कर सकते हो अपने गन्ने उस ट्रॉली में, वो भी बताऊंगा। बट उससे पहले इस पर कुछ मॉडिफिकेशन अप्लाई करके ना, तुम लैम्बोर्गिनी में कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाएंगी कस्टमाइज के ऑप्शन पर क्लिक करके, चाहे तुम देखो मॉडिफिकेशन कार मॉडिफिकेशन में जाके भी कर सकते हो। और सिंपल सा व्हील्स चेक कर लेना भाई, ये वाले एलॉय व्हील सेट कर लेना, और चार चार का फ्रंट एंड बैक सस्पेंशन कर देना, चार चार का, जिससे क्या है कि कार का सस्पेंशन भी ऊंचा हो जाएगा और देखने में भी लुक एंड लुक जो तुम्हारा लगेगा ना भाई, बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल लगने वाला है। और बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहिए आप सभी को लैम्बोर्गिनी में तो कमेंट कर देना। और इसके अलावा जैसे कि मैंने फिलहाल में ट्रैक्टर स्पिन कर लिया, अब हम कस्टमाइज जाएंगे, फिर मॉडिफिकेशन, फिर ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन में जाएंगे और तुम्हारा बिग ट्रोला इस पर सेट कर लेंगे। बिग ट्रोला जैसे मॉडिफिकेशन में जाके लेते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट समझना मेरा कि जैसे कि मतलब कि अभी फिलहाल में जैसे बिग ट्रोला ले लिया ठीक है हमारे ट्रैक्टर पर, बट हम इसमें एक न्यू सेटिंग और ऐड कर सकते हैं। मान के चलो जैसे तुमने ट्रक में देखा होगा कि ट्रक में तो रिमूव करने का, जो तुम्हारी ऊपर बोरी रखी है, जो तुम्हारा मतलब ट्रोला जो लोड है, इसको रिमूव भी कर दें, ट्रोला को बिल्कुल खाली कर दें, जैसे कि तुम्हारी हार्वेस्टर से गेहूं फसल काटने के बाद जो टंकी में लोड हो जाते हैं, और वो भी हम इसमें भर सकें, और अलग से बोरी भी सेट करना चाहें तो वो भी लोड कर सकें, ऐसा अलग से एक सेटिंग का ऑप्शन ऐड करें या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और एक चीज़ और, मतलब कि एक साथ फार्मिंग मोड में दो तीन व्हीकल कैसे स्पेम कर सकते हो, वो भी अपडेट इस बार के अपडेट में देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ में एक चीज़ और, मतलब कि तुम्हारी जो टायर मॉडिफिकेशन होती है, मतलब कि हमने कोई कार पर जैसे कि मान लो टायर सेट कर लिए ठीक है, कोई से भी टायर, और एक टायर और आ रहे हैं जैसे तुमने वी शेप वाले टायर देखे होंगे, एलॉय व्हील देखे हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मतलब कि मॉडिफिकेशन के लिए, वो वाली भी मॉडिफिकेशन आ रही है इस बार के अपडेट में। और एक चीज़ और, एक कमेंट का रिप्लाई देना चाहूँगा, मतलब कि एक कमेंट आई थी कि भाई कार के ब्लैक शीशे करने का भी ऑप्शन ऐड हो, मतलब कि जो मॉडिफिकेशन आ रही थी ना तुम्हारी स्कॉर्पियो S11 वाली, मतलब कि स्कॉर्पियो S11 का लोगो एंड तुम्हारी ये ग्रिल चेंज करने का ऑप्शन, और उसके साथ में तुम्हारी उस पर स्कॉर्पियो नाम डला होता है, तुम्हारी लाइट जली रहती है, वो वाला ऑप्शन आप सभी को नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलने वाला है। और इस बार के अपडेट में तुम्हें एक एलॉय व्हील कस्टमाइज करने की सेटिंग देखने को मिलने वाली है, मतलब कि एलॉय व्हील को सेलेक्ट कर लिया तुम्हारी कोई सी कार पर या ट्रैक्टर पर या बाइक पर,
और उसके बाद मतलब कि अपने टायर को चौड़ा कर सकें, मोटा कर सकें, एंड 22 इंची, 26 इंची, 24 इंची, 34 इंची, मतलब जितना भी बड़ा मॉडिफिकेशन करना चाहो तुम्हारे टायर की, वो वाली मॉडिफिकेशन का ऑप्शन इस बार के अपडेट में देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ में तुम्हारी सीडिंग मशीन भी शायद इस बार के अपडेट में देखने को मिल सकती है। मतलब कि सीडिंग मशीन का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि सीडिंग मशीन अभी जो ऐड हो रही है वो तुम्हारी FS22 वाली हो सकती है, मतलब इसका मोड इंस्टॉल कर सकती है, या बट उसके अलावा एक चीज़ और, मतलब कि या तो तुम्हारी FS20 इस बार के अपडेट में ऐड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अभी जो कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारी उसका क्या, मतलब अभी क्या है फिलहाल में उससे बीज तो बो जा रहे हैं, ठीक है, मान के चलो हमने इसमें ऐड भी कर दिया है, उसके बाद फसल भी बो जा रही है, बट जो फसल है भाई वो उपज नहीं रही है, इसीलिए उसको ऐड करने में थोड़े कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा अभी कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अगर उस कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए ना, तो उसके बाद हम तुम्हारी सीडिंग मशीन को भी ऐड कर देंगे तुम्हारी इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम प्ले में। और उसके साथ में तुम्हारी टायर मॉडिफिकेशन हुई, हरियाणा बस हुई और स्कॉर्पियो एन हुई। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्कॉर्पियो एन के लिए इतनी सारी कमेंट के भाई, इतनी मतलब किसी भी चीज़ के लिए अभी तक मैंने कमेंट नहीं दी है जितनी स्कॉर्पियो एन के लिए कमेंट आ रही है। तो स्कॉर्पियो एन भी शायद मतलब कि इस बार के अपडेट में देखने को मिल जाए। बाकी मैंने मतलब कि मैसेज कर दिया है तुम्हारे गेम डेवलपर को और 2000+ वोट आए हैं तुम्हारी स्कॉर्पियो एन के लिए। वो भी पोस्ट मैंने सेंड कर दिया गेम डेवलपर को कि भाई स्कॉर्पियो एन के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, तो इसीलिए इस बार के अपडेट में तुम्हारी स्कॉर्पियो एन अपडेट में देखने को मिल सकती है विद मॉडिफिकेशन, मतलब कि टायर को कस्टमाइज कर सकते हैं फुल मॉडिफिकेशन, चार टायर को जो चौड़ा हो जाता है ना, खूब चौड़ा कर देते हैं, मतलब तुम्हारी कार में, कार से तुम्हारे भाई जो टायर निकलते हैं वो वाला ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। मतलब टायर का सस्पेंशन तो है, सस्पेंशन को बड़ा भी कर सकें, छोटा भी कर सकें, मोटा टायर भी कर सकें, बट टायर को चौड़ा और साइड में निकालने का ऑप्शन नहीं रहता, वो वाला ऑप्शन इस बार के अपडेट में आने वाला है, उसी पर वर्क हो रहा है। और उसके बाद हम तुम्हारी हरियाणा बस को ऐड करने वाले हैं। और अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ, जैसे कि अभी फिलहाल में मैंने हार्वेस्टर स्पेम कर ली है और इसके साथ में एक व्हीकल और स्पेम करके देखेंगे कि क्या इसके एक और स्पेम कैसे कर सकते हैं, एक और व्हीकल मतलब कि जैसे ट्रैक्टर चाहे कार चाहे बाइक, एक और व्हीकल साथ में स्पेम हो, ऐसा वाला भी अपडेट इस बार के अपडेट में शायद आ सकता है तुम्हारे फार्मिंग मोड में। ओनली एक मोड में होता था, टोचन मोड में दो व्हीकल एक साथ ले सकते थे, बट अब फार्मिंग मोड में भी हम एक साथ दो व्हीकल स्पेम कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी फिलहाल में गन्ने वाली फसल ले लिया, ठीक है, मैं अभी फिलहाल में तुम्हारी मतलब कमांड को ऑन करके तुम्हारे हार्वेस्टर को, एंड उसके बाद हार्वेस्टर कटर को ऑन कर दिया, तुम्हारी PTO ऑन कर दी, और उसके बाद जैसे मैं चला रहा हूँ, अब पीछे से जो कचरा निकल रहा है ना वो भाई ज़मीन पर इकट्ठा नहीं हो रहा है तुम्हारी कमांड का। और एक चीज़ और कि भाई गन्ना काटने से ना तो देखो कचरा निकलता, गन्ना मतलब कि या तो रस निकलना चाहिए या अलग तरीके से वो निकलनी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा ऑप्शन नहीं ऐड हुआ है। तो मैं इसी ऑप्शन की बात कर रहा था कि एक ऐसी मशीन ऐड हो, वो ट्रैक्टर में सेट हो गए हो, और वो मशीन ऐसी हो मतलब कि तुम्हारी गन्ने काटते जाए और वो गन्ने ना हम अपनी ट्रॉली में लोड कर पाएं, ऐसा वाला ऑप्शन ऐड करवाना चाहते हो या नहीं, तो कमेंट करके बता देना। और उसके अलावा अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझो, मान के चलो मैं मतलब अभी तो फिलहाल मैं गन्ने की फसल काट रहा हूँ, बट गन्ने की फसल की जगह मान के चलो कि यहाँ पे मैं गेहूँ या सरसों की फसल काटता, तो तुम्हारी गेहूँ जो मतलब कटने के बाद जो पीछे से खर्चा निकलता है, एक तो वो वाला ऑप्शन हुआ, और जो टंकी में गेहूँ भरते जाते हो टंकी फुल होने के बाद जो तुम्हारा जो साइड में पाइप लग रहा है, जो पाइप खुलता है, और पाइप खुलने के बाद हम एक बिग ट्रोला में तुम्हारे ट्रैक्टर से खला सकें, एक ऑप्शन ये वाला भी ऐड होना चाहिए या नहीं भाई, कमेंट करके बता देना, क्योंकि तुम्हारी हार्वेस्टर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरह से बोलें भाई, जब हार्वेस्टर में जब तक मतलब गेहूँ की मतलब फसल तो हम नॉर्मल तरीके से काट सकते हैं, ठीक है, बट भाई गेहूँ निकलने चाहिए, जो फसल काटने के बाद जो फसल जो हमारी टंकी में इकट्ठी हो जाती है वो भी निकलने का तो ऑप्शन ऐड होना चाहिए, जब भी तो गेम प्ले खेलने में ज़्यादा और मजे आएंगे। बाकी कमेंट करके बताना भाई, कैरेक्टर के लिए कोई डिमांड नहीं आ रही है, तो भाई कैरेक्टर के लिए भी जैसे तो कमेंट किया करो, जिससे क्या कि तुम्हारी गेम प्ले में जल्द से जल्द कैरेक्टर भी ऐड हो जाए इन फ्यूचर अपडेट में। तो भाई कमेंट करके बताना कि सभी व्हीकल पर हम कैरेक्टर ऐड करें या नहीं, इसके लिए भी कमेंट करना। और एक चीज़ और मतलब कि अब मान के चलो एक ऐसा ऑप्शन ऐड हो जाए, जैसे कि अभी फिलहाल में मैंने हार्वेस्टर में टंकी फुल हो गई, ठीक है, मान के चलो अब हार्वेस्टर में की जगह एक ऑप्शन और ऐड हो जाए कि एक साथ हम दो व्हीकल, हार्वेस्टर तो एक साथ खड़ी रहे और उसके साथ हम एक ट्रैक्टर को भी स्पेम कर पाएँ, और ट्रैक्टर में स्पेम करने के बाद कोई सी भी XYZ जो ट्रैक्टर मॉडिफिकेशन होती है वो भी सेट कर पाएँ। और एक चीज़ और, जैसे कि तुम्हारा स्मॉल ट्रोल आया, ठीक है, स्मॉल ट्रोल ही है, इस पर क्लिक करके ना एक ऑप्शन ऐड होना चाहिए, जो बोरी है ना ऊपर, जो बोरी लोडेड है इनको रिमूव करने का भी ऑप्शन ऐड होना चाहिए, कमेंट करके बता देना। अगर जहाँ तक वीडियो देखी है
तो भाई कैरेक्टर के लिए और एक खाली ट्रॉली के लिए और उसके अलावा गेहूं खिलाने का मतलब कि ट्रॉली बायकायदा ऊपर उठती है ना, जब तुम्हारे प्रेशर को जब लिफ्ट को अप करें तो तुम्हारी ट्रॉली उठे, एक ऑप्शन ये भी ऐड होना चाहिए। कमेंट करके बता देना, आप सब भी कमेंट करना इसके लिए। तो एंड आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।